Assalamualaikum everyone, welcome to my channel PhD Telecast. This is Manisha Ali. कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से और टेस्टी टेलीकास्ट की टीम की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक। उम्मीद है आप लोगों के रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, यही एक रमजानों की खूबसूरती है, अल्लाह ताला की रहमत होती है कि सारी बात बेसिकली नियत की होती है। हम लोग इतनी गर्मी में भी जो है वो भूखे और प्यासे रह लेते हैं। जितने भी जेंट्स हैं वो सारा दिन जो है काम करना, रोड पे इधर उधर जाना। खवातीन की जो मैं बात करूँगी वो ये है कि चूल्हे के आगे वो लोग खाना बनाती हैं, इफ्तार बनाती हैं, सहरी बनाती हैं। तो ये पोटेंशियल जो है वो हम सब में आ ही जाता है और ये अल्लाह ताला की एक नेमत है हम सब के लिए। अब बात आ गई आज की वीडियो की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सहरी का वक्त है, अफ्तारी का तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन पहले मैं ये मेंशन कर दूं कि अफ्तारी हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि अफ्तार और सहरी जो है वो सुकून से घर पे करें। तो फिलहाल जो मैं अभी आई हूँ वो मैं आई हूँ अरेबिक शवरमा पे। यहाँ का हम लोग शवरमा जो के है स्पेशल है बहुत ज़्यादा, वो हम लोग खाएंगे और देखेंगे कि इनके मेन्यू में क्या क्या है। लोकेशन मैं आपको इसकी बता देती हूँ। लोकेशन जो है इसके दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच है इसकी 5 स्टार पे नॉर्थ नाजमाबाद बेसिकली जो लगता है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अभी, और दूसरी ब्रांच है इसकी दूरा टिक पर। लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, अब आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं किचन मौजूद है। डाइनिंग का जो सेटअप है वो ये है, बाहर दिखाइए दानी। ये पूरा सेटअप है इन लोगों का। अब हम लोग चलते हैं इनके किचन में और इनकी मेकिंग का प्रोसेस देखते हैं। मैं तो बीबीसी बन गई। प्रोसेस पूरा आप लोगों ने यकीनन एंजॉय किया होगा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इनका मेन्यू। सबसे पहले बताती हूँ कि मेन्यू में जो है शवरमे की वैरायटी बहुत ज्यादा है। ये इनका लोगो आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को मेन्यू इनका बता देती हूँ। मेन्यू जो है इनका शवरमा मेनली जो है शवरमे में बहुत सारी वैरायटी है, नॉर्मल है, बर्गर्स भी इनके पास मौजूद है। चिकन बर्गर है, बीफ बर्गर है, जिंगर बर्गर है, चिकन चीज बर्गर है, जो भी बर्गर की वैरायटी होती है वो सारी। इसके अलावा ब्रोस्ट इनके पास मौजूद है, ब्रोस्ट भी आप चाहें तो खा सकते हैं। सैंडविचेस हैं और फ्राइज हैं। ऑर्डर हम लोगों का सब कुछ आ चुका है, पिज्जा फ्राइज आ गई है, जिंगर बर्गर आ गया है। मेनली हम लोग इधर आए हैं शवरमे के लिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपना शवरमा खुद भी, अपना नहीं मतलब जो आप लोगों को शवरमा खाना है खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद अपने हाथों से बनाए जैसा आप लोगों को पसंद है, जैसा कॉन्टेंट अपना। पीटर ब्रेड आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से टोस्ट हुई भी है। चिकन बाद शवरमे में श्रेडेड भी होता है, बाद में चॉप्ड होता है, इधर जो है वो चॉप्ड है। अब सबसे हम लोग पहले हम लोग शवरमा बनाते हैं, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा सॉस। शवरमा जो है वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैंने टाको बना लिया है। टाको की जो ब्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और थिन होती है, क्योंकि ये जो है पीटा ब्रेड है
ये तो फ्लेवर इसका जो है वो शवरमे का ही आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये क्या बता कुछ और रही है और बना कुछ और रही है। बात करते हैं इसके टेस्ट की, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पाइसी है, फ्लेवरफुल है। और चिकन आप लोगों ने सामने देखा बिल्कुल फ्रेशली रोस्ट ये लोग करते हैं, तो फ्रेश जो चीज़ होती है उसका फ्लेवर ही डिफरेंट होता है। इसके अलावा सॉस जो है वो भी एक अच्छा ऑथेंटिक मेयो का जो सॉस होता है वो इसमें फ्लेवर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। पिज्ज़ा फ्राइज में चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी फ्राइज की खुद की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऊपर तक जो है वो चीज़ बिल्कुल आया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। किसी भी चीज़ में जब चीज़ अच्छा हो तो वो ऐसे खिंचने लगता है पूरा, उसका फ्लेवर देखते हैं कैसे। वेरी लाइट, बहुत हल्की बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ और फ्राइज का जो एक ऑथेंटिक फ्लेवर आता है वो आ रहा है। इसमें कोई जो है वो स्पाइस नहीं है, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और वेजिटेबल भी जो है वो बहुत अच्छे इसके साथ कॉम्बो में लगा। बर्गर की बेसिकली हम लोग एक जो हमारा माइंड सेट होता है बर्गर को लेके कि बर्गर वही अच्छा है जो बड़ा बर्गर है, छोटा बर्गर लगता है कि बर्गर अच्छा नहीं है, परसेप्शन जो है वो कस्टमर का डेवलप हो जाता है बर्गर को देख के। तो ये बर्गर इन्होंने इसके अंदर कोल्सलो डाला है और इसके अलावा जो है वो फ्राई करके चिकन है, चिकन बर्गर बनाया हमने, चिकन जिंगर इसमें डाला हुआ है, जिंगर है उसमें डाला हुआ है। अब इसको खाते हैं और इसका फ्लेवर देखते हैं। बर्गर का जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इफ्तारी के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं, आप लोग यहाँ पर आए और इसको एंजॉय करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रीट फूड की भी जो एक प्रॉपर वाइब होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे आएगी। अंदर जो है इनका जो किचन का सेटअप है वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बोलूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आई डोंट नो अफ्तार से पहले जो लोग बना रहे होते हैं खड़े होकर उनके लिए बहुत सलाम है उनको, और हमारी खवातीन को भी जो चूल्हे के पास खड़े होकर बना रही है। सर्दी से पहले ही हम लोगों ने सर्दी का खाना खा लिया है। अब मैं आप लोगों को मेन चीज़ बता दूँ वो है बिल। बिल में जो है वो आप लोग यहाँ पे बिल अटैच हुआ हुआ है, देखें बिल जो है पिज्ज़ा फ्राइज की उसमें 350 की, सिंगल था 350 का, बहुत अच्छा था। बन उसका बहुत ज़्यादा फ्रेश था, उसके अंदर जो है सिंगल वगैरह सारी चीज़ें सॉरी सिंगल बर्गर था। चिकन बहुत ज़्यादा डीप फ्राई थी, उसका बन बहुत फ्रेश था। मेन चीज़ पर आते हैं जो कि शवरमा, शवरमे का जो कि वो प्लेटर हमने मंगाया था उसका प्लेटर था 1100 rupees का। आप लोगों को जो है वो नॉर्मली शवरमा होता है 100 या 150 का, आप लोगों को मे भी एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन जो इसका प्लेटर की क्वान्टिटी थी और उसका जो फ्लेवर था वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत मज़े का फ्लेवर था और चार बंदों के लिए इनफ। और लास्ट वाला ब्लॉग मैंने बनाया है रमज़ान के ऊपर से फ्रोजन आइटम का, उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो भी ज़रूर देखने का। और मुझे कमेंट करके बताएं कोई सजेशन है वो बताएं, और वहाँ अफ्तारी अफ्तारी भी तो मैं निकली नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सजेस्ट करें, हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे जाने की। ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि रमज़ानों का मौका है, ये महीना बार बार नहीं आता, तो जो है वो इबादत करें, क्योंकि अफ्तार से पहले इतनी गहमाई है कि हलचल हो रही होती है, सब कोई आपस में जो है वो मिक्स हुए होते हैं उन लोग। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक